तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे साथ इस टाइम पहला अपना रोड शो कर रहे हैं आने वाले एमसीडी चुनाव के लिए। वो आने वाले एमसीडी चुनाव के दिल्ली में क्या वाकई में ही इनके द्वारा एमसीडी में परिवर्तन हो सकता है? क्या इतना जनसमूह इनके साथ है? क्या वाकई में ही इस बार एमसीडी में बदलाव देखने को मिल सकता है? ये तो आने वाले 4 दिसंबर को जनता तय करेगी कि आखिर क्या वाकई में ही एमसीडी का ताज क्या बदल जा सकता है। आने वाले 4 दिसंबर को जनता अपना वोट डालकर ये तय करेगी क्या आखिर एमसीडी में कौन आएगा, किसका राज देना चाहती है। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, तब हमको पता चलेगा क्या वाकई में ही ये जनसमूह क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाता है या फिर भाजपा के साथ जाता है। सफाई कर्मचारी, ये वो नगर निगम के जितने कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों की तनख्वाह के लाले पड़े रहते हैं। आज मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूं, कहीं से पैसे लाऊं चिंता मत करना, जो मर्जी करना पड़े, जिसके मर्जी जाके मेरे को भीख मांगनी पड़े, आपकी तनख्वाह हर महीने के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाया करेगी। चारों तरफ कूड़े कूड़े कर दिया इन्होंने, कूड़े के पहाड़ बना दिए। इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी 16 नए पहाड़ बनाने की, अब कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा दिल्ली के अंदर, कोई कूड़े का पहाड़ नहीं बनेगा। आपके घर से कूड़ा उठवाएंगे और वॉर फुटिंग, युद्ध स्तर के ऊपर पूरी दिल्ली के अंदर प्लांट लगाएंगे कूड़े से बिजली बनाने के, और सीधा आपके घर से कूड़ा उठ के बिजली बनाने के लिए प्लांट में जाया करेगा। पूरी दुनिया में जितने अच्छे अच्छे शहर है, लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वहां जिस तरह से कूड़े का निस्तारण किया जाता है, सफाई रखी जाती है शहर की, उसी तरह से दिल्ली को शानदार आधुनिक शहर बनाएंगे दोस्तों। क्या वाकई में जनता इस बार एमसीडी का 15 साल का बदलाव करेगी, ये तो देखना तय होगा आखिरी 7 दिसंबर को, जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि वाकई ये हुजूम केजरीवाल के साथ है या केजरीवाल के साथ नहीं है। आइए जानते हैं इस बार एमसीडी में क्या चाहते हैं आप, कौन से एकदम किसको सपोर्ट कर रहे हैं? एमसीडी में हम आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, एक हम आम नागरिक है, देखिए हम महिला हैं और हम चाहते हैं हमारी गली, हमारा मोहल्ला स्वच्छ बना रहे। देखिए 20 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और जो हमारे यहाँ का पार्षद है वो पिछले 5 साल से भी है और उससे पहले दूसरी सरकार थी, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। हम परेशान हो चुके हैं, ना खंभों पे लाइटें हैं, हम खुद अपने प्लॉटों में कूड़ा फेंक रहे हैं, ना नाली सफाई होती है, तो हम किसका वोट करें? हम वोट करेंगे विकास को, जिसने महिलाओं के लिए काम किया है, जिसने महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी है, जिसने महिलाओं के लिए बिजली पानी फ्री करे, आम आदमी के लिए जिसने काम किया है, हम विकास को वोट करेंगे। सर आम आदमी पार्टी के साथ ही क्यों, केजरीवाल का सपोर्ट ही क्यों कर रहे हैं? सर केजरीवाल का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर दिल्ली को खूबसूरत बनाना है तो एमसीडी में केजरीवाल के पार्षद होना बहुत जरूरी है, अगर दिल्ली को खूबसूरत बनाना है तो। हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के आम आदमी के उम्मीदवार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव के? हमारे मुद्दे पूरी दिल्ली को पता, आपको भी पता है कि जो कूड़ों के पहाड़ बना रखे हैं और 15 साल कोई काम नहीं करा भाजपा ने, अब जो है ना फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि उनके आज से अब ये जाने वाली है एमसीडी, ये बिल्कुल तय है 101%। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और इस आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दे रहा हूँ कि भाई इस बार 250 में से भाजपा के बेईमानों को एक भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 28 के आम आदमी के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि इस बार वो 4 तारीख को दिल्ली से पूरी तरह भ्रष्ट बीजेपी का सफाया होने वाला है और दिल्ली में चलेगी झाड़ू इस बार, और बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को यहाँ की जनता झाड़ू से भगा देगी, झाड़ू से पूरी दिल्ली से बीजेपी का सफाया होगा और इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी। भाजपा को पूर्ण रूप से यहां से अपने एमसीडी चुनाव से एकदम बहिष्कार करवाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बार अपना पहला रोड शो, एमसीडी चुनाव के लिए पहला रोड शो कर रहे हैं। इनके साथ इतनी दिल्ली की जनसमूह एकत्रित हो गया है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अरविंद केजरीवाल, देखिए कि
लोगों का अभिवादन हाथ हिला के अपना कर रहे हैं, लोगों का सम्मान ले रहे हैं कि कैसे इस बार क्या वाकई की दिल्ली की जनता क्या ये हुजूम वाकई में ही इस बार एमसीडी का ताज या परिवर्तन करना चाहेगी, क्या वाकई में ही इस बार 15 साल का ताज बदल सकता है या नहीं, ये पता चलेगा 7 दिसंबर को एमसीडी के नतीजे आने के बाद। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली।